और भी बी ए हमारे पास क्या था, भी बी माइनस दिस टू फॉर्मूला वी हैव गिवन यू यस्टरडे. बेस्ड ऑन दिस वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स. दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी स्ट्रिक्टली इन वन डायमेंशन. दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन. वी आर हैविंग रिलेटिव वेलोसिटी इन टू एंड थ्री डायमेंशंस. थ्री डायमेंशन तो नहीं है हमारे सिलेबस में, टू डायमेंशन है. बट रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन इज इन पार्ट वन ऑफ काइनेमेटिक्स. टू डायमेंशंस विल कम अक्रॉस. रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन. I'm anyway moving on a road also has some height, so it should be 3D. Anybody moving on the road with some height, if the height is with the road, then it is not. Height road के साथ attached है, जैसे पहाड़ी वाला रास्ता है. Height आप aeroplane में जा रहे हो, वो two dimension हो गया. आप vehicle में जा रहे हो कोई पहाड़ के ऊपर, तो road के साथ attached है. That will take us one dimension. ओके यस और नो, टेल मी. ठीक है, यू आर हैविंग रिलेटिव वेलोसिटी. सपोज यू आर गिवन टू ट्रेन्स. ये ट्रेन ए है एंड दिस वन इज ट्रेन बी. टू ट्रेन्स आर गिवन टू, यू कैन राइट टू ट्रेन्स आर गिवन टू, जिसका लेंथ है 400 मीटर ईच. इसका भी 400 मीटर, इसका भी 400 मीटर. ट्रेन का लेंथ होता है यू नो. दे आर मूविंग ऑन टू पैरेलल ट्रैक्स with uniform speed of 72 km per hour in the same direction. 72 km per hour speed mein they are moving in the same direction. Theek hai, what we have considered, we have considered two trains. Unka velocity kya hai, 72 km per hour moving in the same direction. They are moving in the same direction. Individual length kya diya hua hai, 400 मीटर ईच. ठीक है, बट ए इज अहेड ऑफ बी. ए बी का आगे चल रहा है. ए इज अहेड ऑफ बी. ए थोड़ा बी से आगे है. क्वेश्चन में दिया है ए इज अहेड ऑफ बी. ए बी के आगे है. ठीक है, द ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए. बी के ड्राइवर ने सोचा कि मैं ए को ओवरटेक करूंगा. ठीक है, and accelerates by 1 meter per second square. B के driver ने 1 meter per second square में accelerate कर दिया. ठीक, कितने time में वो cross कर गया पता, 50 second में. Within 50 second, B has crossed A. Within 50 second, B has crossed A. Now the question is, what was the original distance between them? दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस था, कितने गैप था. अगेन दो आर जॉइनिंग लेट फॉर देम. क्वेश्चन में दो ट्रेन्स दिया हुआ है, ए एंड बी. एग्जैक्टली आई हैव नॉट मेड ट्रेन हियर. लेट बॉक्स ए इज योर वन ट्रेन, बॉक्स बी इज योर बी ट्रेन. तो हियर बोथ द लेंथ्स आर 400 मीटर, बोथ आर मूविंग विथ ए स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर. ए इज अहेड ऑफ बी. बी के ड्राइवर ने 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में एक्सीलरेट करा दिया अपने ट्रेन को, 50 सेकेंड में क्रॉस कर गया. व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन देम, ओरिजिनली कितने गैप था. यस, टेल मी व्हाट इज योर आंसर. एट. एट. हम 850. 850. योर आंसर इज 850. Any other answer? मैम 850 आ रहा है मेरा भी. कैसे find out कैसे किए? Relative velocity zero है, तो फिर half 80 square होगा distance covered. मैम तो उससे 1250 आ गया. See, VAB is 72 minus 72, that is zero. तो आपके पास फॉर्मूला हो गया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर. तो आप इसमें से यू इनिशियल वेलोसिटी जीरो दिया हुआ है, बोथ आर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. तो हाफ 80 स्क्वायर कितना हो गया मैम? 1250, 1250. तो 850 क्यों बोल रहे हो मैम? क्योंकि 400 लेंथ की भी लेंथ है. 400 लेंथ कैसे लगेगा यहाँ?
मैम पहले मैम 850 कवर करेगा और फिर 400 मीटर खुद उससे आगे निकलने के लिए। The answer is 1250 और 1250 से आप 400 माइनस कर दिए और लेंथ कवर होगा। यस मैम, वो तो ट्रेन की लेंथ भी तो आगे जाएगी दूसरी वाली से, तभी तो वो ओवरटेक करेगा उससे प्रॉपर्ली। हाँ तो टोटल गैप दोनों के बीच में कितना था? 850। What was the original distance between them? Train length minus करेंगे इसमें से। Yes. What was the original distance between them? 1250 नहीं था। अच्छा दोनों driver ये ऐसे दिया हुआ है। Suppose मैं question में यहाँ A driver यहाँ बैठे हैं। बी ड्राइवर यहाँ बैठे हैं। बी ड्राइवर ए ड्राइवर को क्रॉस कर गया। हम तो 1250 होगा। 1250 होगा। बी ड्राइवर ए ड्राइवर को क्रॉस कर गया। तब 1250 इज़ द करेक्ट आंसर। पूरे ट्रेन कवर हो गया। तो 1250 माइनस 400। ओके? क्वेश्चन में पूछा है बी ड्राइवर क्रॉसेस ए ड्राइवर। द आंसर इज The answer is 1250. Any doubt here? Aman, Akshita. Akshita, tell me any doubt you're having. No, ma'am. Kanak, where are you? Kanak, tum join karke kahan chale gaye? Ma'am. Tumhe join karke dekhe, main aaye ki doubt clear kar dungi tumhara. Ma'am, maine to abhi join kiya, ma'am. Matlab 15 pe, 10, 15 pe. 10:15 से पहले 10:05 से ज्वाइनिंग है तुम्हारा? नो मैम, आई जॉइंड एट 10:15 ओनली। 10:05 से तुम ज्वाइन करके छोड़ के चले गए। वी हैव सीन उसके बाद ज्वाइन किए फिर ऑफ करके चले गए। ओके, वी आर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रिलेटिव वेलोसिटी। दिस टू फार्मूला VAB VA माइनस BB एंड VBA इज योर VB माइनस V ठीक है। नाउ यू टेल मी इफ इट इज अ क्वेश्चन गिवन टू यू विद रेस्पेक्ट टू मोटर बोट, इट कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन टू स्पॉट्स। ये दीज आर द स्पॉट्स। ये ए एंड बी के बीच में डिस्टेंस कवर करना है एक बोट को। ए एंड बी के बीच में डिस्टेंस कवर करना है इस बोट को, ठीक है। देन ऑन द रिवर इन 8 आवर्स, ये क्या करता है 8 आवर्स में, 8 आवर्स में अपस्ट्रीम में, ठीक है, नहीं 8 आवर्स डाउनस्ट्रीम लेता है। डाउनस्ट्रीम में अगर क्रॉस करता है तो 8 आवर्स, 12 आवर लगता है अपस्ट्रीम में। अपस्ट्रीम में कवर करेगा तो 12 आवर्स लगता है, ठीक है। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय द बोट टू कवर द डिस्टेंस इन स्टील वाटर। जब अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम नहीं है, पढ़ी द क्वेश्चन, फाइंड टाइम टू कवर A to B in still water. ठीक है, क्वेश्चन में दिया है मोटरबोट कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन टू स्पॉट्स ऑन द रिवर इन 8 आवर्स एंड 12 आवर्स इन डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। सपोज द वेलोसिटी ऑफ द पर्सन इज VP, वेलोसिटी ऑफ द वाटर इज VW, तो डाउनस्ट्रीम में क्या फॉर्मूला होगा? डाउनस्ट्रीम में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, अपस्ट्रीम में क्या होगा? टेल मी, ज्यादा कहाँ होगा, कम कहाँ होगा? ज्यादा होगी मैम डाउनस्ट्रीम में। ज्यादा डाउनस्ट्रीम में होगा तो क्या हो जाएगा वहाँ? वीपी प्लस वीडब्ल्यू और वीपी माइनस वीडब्ल्यू प्लस वीबी माइनस प्लस वीपी प्लस वीडब्ल्यू होगा और यहाँ होगा VP माइनस VW। तो डिस्टेंस कितना है? सपोज द डिस्टेंस बिटवीन देम इज x, देन यू फाइंड आउट एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर। आई हैव गिवन यू द क्लू मैम, 9.6। 9.6 आवर, द आंसर इज गिवन बाय अमन। यस, अदर्स टेल मी, टेक योर टाइम। अंशिका, वेयर आर यू?
Ansika, tell me, what will be the answer? Ansika, respond first. Ma'am, 9.6. Okay, Vani. Okay, Vansika. Ansika, tell me, Ansika. A-N-S-H-I-K, Ansika. Where are you? I have never heard your voice. Yes, ma'am. Tell me, are you understanding? Yes, ma'am. How this problem will be solved? You tell me. Velocity ki formula kya hai? Distance or time diya hua hai. What will be the formula for velocity? Distance, time, diya hua hai. What is the formula for velocity? That also you don't know. Ansika. You are a student of science? If you are taking downstream velocity, Vp by Vp plus Vw, velocity is equivalent to distance divided by time. Time kitna diya hai downstream mein? 8 hours. 8. One equation. The other equation is Vp minus Bw is equivalent to x divided by what is the time in upstream? 12. You are given these two equations. Can you able to find out? You are given these two equations. Then find out. The answer is 9.6 hours given by two students only. Aryan Sinha. Tell me, हो रहे? 9.6 sir. 9.6 आ गया? Yes ma'am. तो कैसे आ गया? इसमें से आपको Vp और Bw मिल गया? Steel water. Yes ma'am. तो कितना आया? Ma'am मेरा solve करके ma'am 9.6 आ रहा है. ओके 9.6 और किस किस का आ गया? गैलेक्सी राउत. आर यू गेटिंग 9.6? नो आंसर, नो रेस्पॉन्स. ओके दृश्यन मलिक, आर यू गेटिंग ए प्लस बी ए माइनस बी? इसमें से बी पर्सन और बी वाटर आपको मिल ही जाएगा. बी पर्सन कितना हो गया? वी पर्सन कितना हुआ? ये दोनों क्वेश्चन में इसमें दोनों को ऐड कर दो. 2 वी पी इज इक्विवेलेंट टू वी डब्ल्यू. वी डब्ल्यू कैंसिल, एक्स बाई 8 प्लस एक्स बाई 12 कितना हुआ? जल्दी एलसीएम को 24 ले लो. 24 8 3 एक्स प्लस 24 बाई 12 2 एक्स, 5 एक्स बाई 24. तो वी पी इज इक्विवेलेंट टू 5x divided by 48. Then what is your steel water? Steel water में distance कितना है? x है. तो what is the time? Time taken to cover it in steel water is x divided by Vp. X divided by Vp कितना आ रहा है? X divided by Vp is your 5x by 48. 5x और यहाँ 48 कितना हो गया? 9.6 hour are 9.6 hours. 9.6 hour. Those you have not done, do it now. Now the next question you are having. Same pattern question I am giving. Two trains A and B, each of length 100 meter. You are having two trains A and B. Each of length 100 meter, okay, are running on parallel tracks. One overtakes the other in 20 seconds. A overtakes B in 20 seconds. 20 seconds mein A B ko overtake kar gaya. And one crosses the other in 10 seconds. And crosses B in 10 seconds.
कैलकुलेट वी ए एंड वी बी. ए ओवरटेक करता है बी को 20 सेकेंड में और क्रॉस करता है 10 सेकेंड. ओवरटेकिंग एंड क्रॉसिंग यू नो. ओवरटेकिंग मीन्स सेम डायरेक्शन में, क्रॉसिंग मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में. आर यू लिसनिंग? ओवरटेकिंग मीन्स सेम डायरेक्शन, क्रॉसिंग मीन्स अपोजिट डायरेक्शन. I'm 100 meter is the length of each. 100 meter length of each. Ma'am, ek bar question repeat kar do. Two trains A and B, each of length 100 meter. ठीक है? Are running on parallel tracks. One overtakes the other in 20 second. One overtakes the other in 20 second. And one crosses the other in 10 second. Calculate the velocity of each. Gautam. Gautam Kakkar. Tell me, are you understanding? Gautam, at least respond karo that you are present. Gautam, at least respond. No. Ma'am, VA is 5 meter per second. VA is meter, nahi kilometer per hour aayega. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, my name is Manshar, ma'am. I am a student, so ma'am, I don't know which chapter is going on. You are Himanshu Kumar. And yes, which ma'am. Day you have joined? Today. Today. Achha, we are going. The chapter is going kinematics. Kinematics part 1. Here it is written. And we are on the topic relative velocity in one dimension. You write down. Chapter name is kinematics. We have already done average velocity, instantaneous velocity. We are with relative velocity in one dimension. Okay. Yes, ma'am. Have you read something before joining 11th year? Padhe ho, kuch bhi padhe ho, dimensions padhe ho, errors padhe ho. Yes or no? Tell me. Yes, ma'am. Dimensions and errors. Dimension and errors you have done. Here we have done extra differentiation integration, mathematical part, and average velocity and instantaneous velocity. हम लोग ये तीन मेजर टॉपिक किए हैं एक्स्ट्रा. यू आर फ्रॉम आवर स्कूल ओनली? यस हिमांशु, टेल मी. अग्निश, डू यू नो द आंसर? Ma'am, VA is 0.6 kilometer per hour. 0.6 kilometer per hour. ऐसे कैसे आंसर आ गया? हम 0.3. 0.3 kilometer. Ma'am, second question समझ नहीं आया. Ma'am, second part. How will it cross it, ma'am? They are running in parallel direction. हाँ, पैरेलल ट्रैक्स में एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते. मैम, वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तब ओवरटेक कर रहे हैं. मैम, तो क्रॉस करने के लिए फिर उसमें से एक को फास्ट ट्रैवल करना पड़ेगा. अच्छा, वन ओवरटेक्स द अदर इन 20 सेकंड एंड वन क्रॉसेस द अदर इन 10 सेकंड. ये तुम्हारे हिसाब से लैंग्वेज यहाँ सेम ट्रैक होना चाहिए, पैरेलल वार्ड नहीं होना चाहिए, एंटी पैरेलल आ जाता है बीच में. मैम, जब क्रॉस कर रहे हो तो उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं ना दोनों? हां, उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो फर्क ही नहीं पड़ता. पैरेलल मतलब तो एक दूसरे के साइड में जा रहे हैं, ये नहीं पता किस डायरेक्शन में. अच्छा मैम, बट इफ इट ओवरटेक्स वन अनदर दैट मींस दे आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन. हां, दैट केस. मैम, वो तो दूसरा को बता रहा है ना. सेकंड केस में तो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे ना. दे आर मूविंग इन द पैरेलल ट्रैक. एक ट्रक यहाँ है, इसमें एक ट्रेन जा रहा है, ये वाला ट्रेन इधर जा रहा है, ये ट्रेन जा रहा है.
ये पैरेलल ट्रैक है, ये ट्रैक इस ट्रैक के साथ पैरेलल है, ठीक है। फर्स्ट केस में ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेकंड केस में ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज केस ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, दिस इज केस ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। सपोज इसके वेलोसिटी वी ए है, तो फर्स्ट केस में वी नीड टू ओवरटेक्स वी ए माइनस वी बी होगा, सेकंड केस में क्या हो जाएगा? एस टेल मी, सेकंड केस में वी ए प्लस वी बी हो जाएगा, ये ओवरटेकिंग, जस्ट लाइक योर upstream downstream question, and here it is crossing, is it understood? Overtaking and crossing, total distance kitna cross ho raha hai? Excuse me ma'am. Yes ma'am, isme to main assumption leke chalni padegi na ki ki jab wo overtake kar raha hai to dono bilkul saath mein hai, aur jab cross kar rahe hain to dono ke heads mil rahe hon. Ha itna to understood hai, क्रॉस कर रहे हैं मतलब क्या, क्रॉस करके आगे दिखाई जा रहे हैं, जस्ट क्रॉसेस, इतने डिटेल्स नहीं देगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस इज एनीवन हु कैन गेस, टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 200 मीटर, वेरी गुड, 100 मीटर प्लस 100 मीटर, इतना 200 मीटर उसको क्रॉस करने के लिए, ओवरटेक करने के लिए कुछ भी है, 200 मीटर एग्जैक्ट चाहिए। तो ये जो 20 सेकंड्स है, 20 सेकंड्स को मैंने कैसे लिखूंगी? 20 सेकंड इज इक्विवेलेंट टू टोटल डिस्टेंस टाइम है। आपके पास इक्वेशन, एक ही इक्वेशन में हम चल रहे हैं, वी इज इक्विवेलेंट टू डी वाई टी, तो टाइम इज इक्विवेलेंट टू डी वाई वी, डी वाई वी मीन्स 200 डिवाइडेड बाई, इसमें भी ए माइनस बी भी आएगा 20 सेकंड में या प्लस बी भी आएगा? माइनस भी ए माइनस बी सेकंड, 10 सेकंड में 200 डिवाइडेड बाय भी ए प्लस बी भी, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में बताओ। 5 एंड 15, किसका 5 है? मैम बी बी का 5 है और वी ए का 15 है। वी ए इज 15 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस तो 200 तब होगा जब बी पीछे हो, 20 बीच में होगा तो क्रॉस कर गया या ओवरटेक कर गया? हु इज आस्किंग? तुम्हें दूसरे ट्रेन में अंदर जाके कुछ सामान लाना है क्या? ट्रेन दिया रहे ओवर बुक, ओवरटेकिंग और क्रॉसिंग, उसमें तो पूरा ट्रेन क्रॉस करेगा ना। गार्ड एंड ड्राइवर मीटिंग, एक ट्रेन का गार्ड दूसरे ट्रेन का ड्राइवर, गार्ड जो लास्ट में बैठता है, कभी ट्रेन देखे हो? यस टेल मी, ट्रेन में एक ट्रेन में मैक्सिमम कितने कंपार्टमेंट काउंट किए हो? आई एम नॉट आस्किंग अबाउट मेट्रो, डोंट गिव मी आंसर 6, 10, 8, कितने कंपार्टमेंट काउंट किए हो कभी? वी नीड इट इन द नेक्स्ट चैप्टर। आपको डेली हम बोल रहे हैं आपका ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ाओ, रेलवे स्टेशन में बैठने वाली 30 कहाँ, पैसेंजर ट्रेन और लगेज ट्रेन, 1-3 ओनली, इतने छोटा ट्रेन कहाँ देखते हम? 15 होते हैं, 15-20 के आसपास। एनीवन एल्स? खाली रेलवे स्टेशन कभी भी जिंदगी में गए हो ना, यू आर विथ योर मोबाइल, आजकल के स्टूडेंट्स दे हैव सीन ओनली मोबाइल्स, नथिंग एल्स। एनीवन हु विल टेल मी? Suppose we are having a luggage train, suppose we are having a passenger train, कितना approximate होना चाहिए? कभी कोई count किया? 10 to 15. 10 to 15 only, very bad actually. In one train I have counted 76, after that I stopped, थक गई थी मैं, counting छोड़ दी। That is your oil tanker, ठीक है? Increase में थोड़ा होता है। क्या क्या? Passenger trains में तो मैम 15 के आसपास ही होती है। नहीं, passenger train भी बहुत ज़्यादा होते हैं। You don't take that super fast express, you take that local train, होता है 25, 27. ओके okay.
ट्रेन एक ट्रेन यहाँ ये वो क्वेश्चन में हम आएंगे इफ आई ऐड मोर कंपार्टमेंट शॉर्टर विद द चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन एक्सेलरेशन लाइक दिस बट हियर इन दिस क्वेश्चन वन ट्रेन इज क्रॉसिंग द अदर एंड अगर ये क्रॉस करे तो इसके गार्ड यहाँ बैठते हैं तो ये बी के ड्राइवर यहाँ है गार्ड जो यहाँ बैठते हैं ये गार्ड ये ड्राइव ये दोनों एक ही लाइन में रहेंगे तो ये ओवरटेकिंग होगा क्रॉसिंग होगा तो ये अपोजिट साइड में ए आगे है और बी के गार्ड यहाँ बैठेगा आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस इज योर ओवर क्रॉसिंग ओवरटेकिंग में वेलोसिटी कम होगा गिवन है कि ओवरटेकिंग में दोनों बराबर पे हैं नहीं नथिंग विल बी गिवन ये ऐसे राइटिंग नहीं है फिजिक्स के क्वेश्चन में हिंट्स मिलेगा आपको सर बहुत सारे क्वेश्चन में तो आपको वेलोसिटी सेम होगा इस पर्टिकुलर कंडीशन में दैट यू हैव टू गेस कि अगर वेलोसिटी सेम होगा तब जाके इक्वेशन से आंसर आएगा नहीं तो नहीं विल कम अक्रॉस वन क्वेश्चन ठीक है ये ट्रेन वाला हो गया और एक दे दो यू आर हैविंग टू ट्रेन्स और एक कर लो इजी हो जाएगा 120 मीटर एंड द सेकंड वन इज 80 मीटर यू आर हैविंग टू ट्रेन्स 120 मीटर एंड 80 मीटर आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विथ वेलोसिटी 42 किलोमीटर पर आवर ईच बट आंसर क्विक आना चाहिए थर्ड क्वेश्चन मीन्स आंसर शुड बी क्विक 42 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन ओके नहीं 42 किलोमीटर एंड 30 किलोमीटर पर आवर ये 42 है ये 30 नहीं तो ऐड करके बता दोगे इन पार्ट टाइम दे विल कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर 10 सेकंड वेरी गुड टाइमिंग आपका सही था यू आर अमन ओके व्हाट अबाउट अदर्स इन व्हाट टाइम दे विल कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर के लिए कौन सा वेलोसिटी लेना चाहिए वी ए माइनस बी बी और वी ए प्लस बी बी टेल मी ये वाला लेना चाहिए और ये लेना चाहिए वी ए प्लस बी तो डिस्टेंस मेरे पास कितना है 120 प्लस 80 कितना है डिस्टेंस 200 डिवाइडेड बाई कितने टाइम में कर लिया दैट यू कैन फाइंड आउट टाइम तो निकालना है इज द आंसर इज 10 सेकंड यू आर मैचिंग यस मैम 10 आर सबका 10 आ रहे अक्षिता आर यू गेटिंग 10 हिमांशु यू हैव जॉइंड टुडे यस मैम एक बार समझा दो आपको एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को कम्प्लीटली कवर कर रहा है मीन क्रॉस कर रहा है क्रॉस कर रहा है मीन्स इस दोनों का लेंथ के डिस्टेंस ही कवर कर रहा है सपोज एक ट्रेन इधर है ये एक ट्रेन है ये एक ट्रेन है तो ये ट्रेन ये ऐसे जा रहे हैं और ये ऐसे जा रहे हैं कम्प्लीटली क्रॉस इच अदर इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा ये जो ये ट्रेन का ड्राइवर यहाँ है गार्ड यहाँ है ये ट्रेन के ड्राइवर यहाँ टिप में है गार्ड यहाँ है तो ये गार्ड और गार्ड यहाँ क्रॉस करें तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया एक का 120 मीटर एक का 80 मीटर टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 200 मीटर ठीक है तो टाइम टेकन टू कवर दैट 200 मीटर यू हैव टू फाइंड आउट देन व्हाट इज योर फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है वी इज इक्विवेलेंट टू डिस्टेंस बाय टाइम इसी में हम चल रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम ठीक है देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट रिलेटिव वेलोसिटी दोनों के बीच में कितना है 42 और 30 किलोमीटर इफ दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन रिलेटिव वेलोसिटी विल बी एडेड वी ए प्लस बी बी तो वी ए प्लस बी बी कितना है 42 किलोमीटर पर आवर 72 किलोमीटर पर आवर उसको मीटर पर सेकंड में कर सकते हो 72 किलोमीटर पर आवर कितना है 20 मीटर पर सेकंड दैट कन्वर्सन यू शुड नो 72 किलोमीटर पर आवर इज 20 मीटर पर सेकंड देन टाइम क्या है डिस्टेंस इज 200 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी वेलोसिटी क्या हो जाएगा डिस्टेंस टी इज इक्विवेलेंट टू 200 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी वेलोसिटी इज 20 द आंसर इज 10 सेकंड एस हिमांशु इज इट अंडरस्टूड यस मैम सिंपल से फॉर्मूला वही एक में चल रहे हैं
ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी यू आर हैविंग सम आइडिया टिल नाउ, देन लेट अस स्टार्ट द मेन क्वेश्चन. मेन क्वेश्चन विद अस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी. दोज आर हैविंग एनसीईआरटी बुक, दे कैन ओपन एनसीईआरटी बुक. में एक ही क्वेश्चन जो हम एग्जाम में बार बार देते हैं, बट वी जस्ट चेंज द वैल्यूज, बच्चे नहीं कर पाते. एज पर दिस एनसीईआरटी क्वेश्चन देयर आर टू टाउन्स, ए इज ए टाउन, बी इज ए टाउन. There are two towns, A and B. They are, I hope you have got NCERT question. Yes, open your NCERT book. Anyone is having? Vansika, are you having your NCERT book? Yes, ma'am. Ma'am, I have. Backside exercise 3.9 tak aa jao. Two towns A and B are connected by a regular bus service. इन दोनों, ये दोनों टाउन के बीच में, सपोज ये हमारे दिल्ली है और ये सोनीपत है, पानीपत है, नहीं तो आप क्या करो पंजाब का अमृतसर ले लो. ओके, दिल्ली एंड अमृतसर के बीच में रेगुलर बस सर्विस है. ठीक है, ए बस लिविंग इन आइदर डायरेक्शन एवरी टी मिनट्स, एवरी टी मिनट्स इंटरवल में एक बस यहाँ से जाता है, एक बस यहाँ से जाता है. T is not given to you. Every T minutes interval, one bus is moving towards Amritsar from Delhi and one bus is moving from Amritsar to Delhi. ठीक है, उसके साथ एक person is cycling. One person is cycling. एक यहाँ cycling करके जा रहे हैं. उसने क्या है देखा, ये जो cycling करने वाला वो रास्ते में देखा, in every cycling speed क्या है, बहुत ज़्यादा speed में जा रहे हैं cycling करके, 20 किलोमीटर पर आवर आप जा सकते हो. एनीवन, साइकिलिंग स्पीड आपका इतना है? तो ज्यादा ही होगा. ज्यादा? तुम्हारे पास गियर वाला साइकिल है या पुराना वाला? गियर. ओके, यू आर मूविंग हियर, व्हाट यू हैव सीन, ये जो साइकिलिंग जो पर्सन सी है, लेट सी इज द साइकिलिंग पर्सन, वो साइकिलिंग कर रहा था और देख रहा था, वही बच्चे पूछते हैं हमेशा ये क्वेश्चन कराते. व्हाट ही हैज ऑब्जर्व That a bus goes past him. इसने देखा कि एक बस उसको इस डायरेक्शन में क्रॉस करता है every 18 minutes में एक बस उसको ऐसे क्रॉस करता है, goes past him. ठीक है, and every 6 minutes in the opposite direction. नहीं, ये 6 minutes है, opposite direction में 6 minutes में जाता है, same direction में उसको 18 minutes में दिखाई देता है. मतलब ये साइकिल चलाता है या घड़ी देखता है. Every 18 minutes, one bus is moving towards right, and every 6 minutes, one bus is moving towards left. Who is observing? Yes, tell me. Who is observing? Cycle wala. Cycle is. Cycle wala. Cycle wala ka speed kya hai? 20 km per hour. ठीक है? ये दोनों city के बीच में distance नहीं दिया हुआ है. दोनों city के बीच में distance नहीं दिया हुआ है. Again, I'm listening. Helping you to understand the question. A and B are two cities जिनके बीच में regular bus service है. Every 10 minutes interval one bus leaves each city. One cyclist moving while from A to B observed that in every 18 minutes one bus is crossing him. And in every 6 minutes in the opposite direction. 6 minutes में opposite direction में जा रहे, 18 minutes में forward direction में जा रहे. What is the time? ये t minutes, कितने time interval में एक एक bus छोड़ते हैं, ये पूछा हुआ है question में. Not so easy question, 3 marks question. We used to set, this is your NCERT question, back exercise. We used to set in every exam with the change value. अगर सेम वैल्यू देते हैं तो बच्चे रट के आ जाते हैं, चेंज वैल्यू हो जाता है तो बच्चे नहीं कर पाते. नाउ यू टेल मी, लेट द टोटल डिस्टेंस इज एक्स. मैंने टाउन ए एंड बी के बीच में एक्स को टोटल डिस्टेंस माना. ठीक है, टोटल डिस्टेंस इज एक्स. ठीक है, इसमें एक चीज आपको अज्यूम करना पड़ेगा. व्हाट इज दैट, एनीवन हु कैन गेस? नहीं तो क्वेश्चन, दोनों की स्पीड सेम है. लेट बोथ आर हैविंग सेम स्पीड,
नहीं तो आपको क्वेश्चन नहीं कर पाओ, ये क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया हुआ है. लेट बोथ आर हैविंग सेम स्पीड दैट इज योर वी किलोमीटर पर आवर. ठीक है, एनी डाउट यहाँ तक? किसका डाउट है मैम? पर एक डायरेक्शन से तो ज्यादा टाइम ले रही है आने में बस, दूसरी डायरेक्शन से 6 मिनट्स ले रही है, तो एक बस की ज्यादा स्पीड होगी मैम. नहीं, 3 मिनट्स जो इंटरवल में चाह रहे उसके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है. अनकाउंटेबल क्वेश्चन हो जाता है तो हम इक्वल टू डी बाई टी. हम सुबह से एक ही फॉर्मूला में लगे हैं, वेलोसिटी इज इक्विवेलेंट टू डिस्टेंस बाय टाइम, और रिलेटिव वेलोसिटी वी ए माइनस बी बी और बी ए प्लस बी बी. नाउ यू टेल मी व्हाट आई विल डू हियर. एनीवन हु कैन फाइंड आउट कितने टाइम होगा, टी मिनट्स कितना मिनट है, टी मिनट्स कितना मिनट्स है, इफ एनीवन कैन फाइंड आउट. मैम ट्राई कर रहा हूं. यस ट्राई करो. This is question number 3.9 NCERT. Those who are seeing NCERT, NCERT book का question 3.9 exercise part. This is an important question. जो 11th pass होता है वो इस question करके आता है. Yes, any idea? कहाँ से जाएं, कैसे जाएं? टोटल डिस्टेंस हम लिए हैं x, वेलोसिटी v लिए हैं दोनों का, तो रिलेटिव वेलोसिटी यू कैन फाइंड आउट. आपको रिलेटिव वेलोसिटी विद साइक्लिस्ट फाइंड आउट करना है. साइक्लिस्ट का स्पीड दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर, इज द स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट. तो साइक्लिस्ट के साथ दोनों देखना पड़ेगा. एक बार वेलोसिटी ऑफ फास्ट बस, नहीं दोनों का वेलोसिटी तो भी है, तो साइक्लिस्ट के हिसाब से जो साइक्लिस्ट के सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं वो भी माइनस 20 हो जाएगा, ये साइक्लिस्ट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं वो बी प्लस 20 आ जाएगा. यस मैम. वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में ये वेलोसिटी हो जाएगा, और वेलोसिटी इन अपोजिट डायरेक्शन साइक्लिस्ट के हिसाब से ये आ जाएगा. इज इट अंडरस्टूड? तो टाइम क्या होगा? यस मैम. नहीं तो टोटल डिस्टेंस आप निकाल सकते हो. टोटल डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस जो आप एक्स लिए हो That is your v minus 20 अगर लूंगी तो टाइम क्या है, फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू वेलोसिटी इनटू टाइम. ये वेलोसिटी है, टोटल डिस्टेंस x इज इक्वल टू v माइनस 20. टाइम कितना है मेरे पास? 18 मिनट्स. 18 मिनट्स में देख रहा था ना वो, तो 18 बाई 60 किलोमीटर. वन इक्वेशन यू आर गेटिंग हियर. ये समझ में आ गया? टोटल डिस्टेंस x है, वेलोसिटी आपका वी माइनस 20 है, और टाइम जिस इंटरवल में उसने देख रहा है दैट इज योर 18 बाई 60. ठीक है, नेक्स्ट. अगर टी मिनट्स में वो एक स्टेशन छोड़ रहा है
तो ये टोटल डिस्टेंस का दूसरी फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, टी मिनट्स में छोड़ रहे तो एक्स में एक्स इज इक्विवेलेंट टू कितना हो जाएगा, वेलोसिटी उसके पास वी है टी मिनट्स टी बाई 60 टी मिनट्स इंटरवल में वो छोड़ रहा है तो टोटल डिस्टेंस उसके पास हो जाएगा उसका वेलोसिटी 600 टी बाय 60 600 आई एम डिस्टेंस 600 आर डिस्टेंस 600 आ गया बट डिस्टेंस इज नॉट आस्क्ड ना दिस इज योर इक्वेशन 1 दिस इज योर इक्वेशन 2 नाउ 1 इज इक्वल टू 2 इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 इन दोनों में आप फाइंड आउट करो आई एम वेलोसिटी तो 40 आ रही है यस मैम 40 यस दिस इज करेक्ट velocity of the bus you are finding kilometer per hour mein 40 this is the correct answer from this equation you can find out velocity is 40 km per hour any doubt here velocity is 40 km per hour main first equation samjhado ek bar kaise aayi फर्स्ट इक्वेशन इज और जब सेम डायरेक्शन में वो जा रहे हैं उसका रिलेटिव वेलोसिटी वी माइनस 20 है किसका बॉस एंड साइक्लिस्ट ठीक है बॉस एंड साइक्लिस्ट बॉस की वेलोसिटी वी है साइक्लिस्ट की वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर है सेम डायरेक्शन में जब जा रहे हैं तो वी माइनस 20 ये समझ में आ गया वी माइनस 20 क्यों रिलेटिव वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन आर सब्ट्रैक्टेड अपोजिट डायरेक्शन आर एडेड ये समझ में आ गया बेसिक यस मैम आ गया तो फिर डिस्टेंस क्या है वेलोसिटी इनटू टाइम तो सेम डायरेक्शन में तो 18 मिनट्स में देख रहे हैं ना तो 18 मिनट्स टाइम है सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी ये है और टाइम इतना है तो डिस्टेंस इज वेलोसिटी इनटू टाइम लेकिन जो ओरिजिनल है ओरिजिनल उसका वेलोसिटी भी है और टी मिनट्स में चल रहा है टी मिनट्स में वो निकल रहा है तो टी मिनट टी बाई 60 दैट इज ऑल्सो डिस्टेंस ये दो इक्वेशन हम लिए उसमें से आपका वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर आ रहा है यस और नो ओके मैम आ रहा है तो फिर अगर वेलोसिटी आपको 40 किलोमीटर पर आ गया तो इस इक्वेशन में बैठा दो और दोनों इक्वेशन से एक्स निकाल दो टाइम निकालो टी कितना होगा यस एनीवन मैम 9 मिनट्स इज द करेक्ट टाइम T is equal to 9 minute is the correct time. ये equation minimum ये question 3 times बच्चे practice करते हैं तभी जाके value जब change हो जाता है ना तब आता है answer. ठीक है any doubt here? This is an important question. ऐसे NCERT के back exercise में बहुत interesting question दिया हुआ है but it is not possible to solve all the questions in the class. क्योंकि हमारे एक एक चैप्टर में कोई काउंट ही नहीं कर पाया है इफ़ यू चेंज द रेफरेंस बुक द क्वेश्चंस आर चेंज्ड इफ़ यू चेंज द कोचिंग सेंटर द क्वेश्चंस आर चेंज्ड बट द फॉर्मूला रिमेंस सेम यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या है कि आप कौन सी फॉर्मूला कहाँ यूज होगा दैट यू शुड अंडरस्टैंड ऐसे समझ में कौन सी फॉर्मूला कहाँ यूज होगा दैट शुड बी योर बेसिक ये क्वेश्चन में किसको डाउट है अभी भी Is anyone having doubt? Agnes? Agnes, you are not responding. Where is Agnes? Abhi maine nahi suna kuch answer dene hai. Ma'am, no doubt. Okay, Bhavya Bharadwaj. Where are you? Any doubt? Bhavya Bharadwaj, Bhavya Mishra. Any doubt? No, ma'am. I hope you have understood. Relative velocity is like this only. This is only one dimension question. These are the questions of one dimension only. ठीक है? I am having a police and thief question. Mainly Indian questions means you should have police and thief based question. थीप का स्पीड ज्यादा होता है पुलिस का स्पीड ज्यादा होता है यस एनीवन थीप का ज्यादा होता है तो पुलिस उसके पीछे रहता है नहीं जनरली जो हमारे क्वेश्चन आते हैं यस और नो यस आई एम हैविंग वन क्वेश्चन ऑफ पुलिस एंड थीप बट आई एम नॉट गेटिंग इट
वो एनसीईआरटी का ही है, पुलिस ने फायरिंग स्टार्ट किया इतने डिस्टेंस देख के. एनीवन हु इज गेटिंग दैट क्वेश्चन? एनसीईआरटी क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर यू कैन टेल मी इफ एनीवन गेटिंग दैट पुलिस एंड थीफ क्वेश्चन? यस मिल गया मुझे. ये पुलिस वैन है, लेट दिस वन इज योर पुलिस वैन. पुलिस वैन मूविंग ऑन ए हाईवे विथ ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर. पुलिस वैन जा रहे 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. इट फायर्स अ बुलेट, ऐसे बुलेट फायरिंग किया, बुलेट फायरिंग. और बुलेट फायरिंग की स्पीड क्या है? इन द सेम डायरेक्शन विथ ए स्पीड ऑफ 192 किलोमीटर पर आवर. बुलेट फायरिंग हुआ 192 किलोमीटर पर आवर टू ए स्पीडिंग अवे थीप. थीप यहाँ भाग रहा था उसके गाड़ी, उसको वो इतना स्पीड में जाके इतना स्पीड में बुलेट फायरिंग किया. इफ द मजल स्पीड ऑफ द बुलेट इज 150, मजल स्पीड, स्पीड ऑफ बुलेट इज 150 मीटर पर सेकेंड. थीप्स कर नहीं, ये जो 192 किलोमीटर पर आवर है ना, ये थीप की स्पीड है. बाबा ये तो बहुत, किस में जा रहा है 192 किलोमीटर पर आवर? रेसिंग बाइक होगा नहीं मैम? 92 होगा सिर्फ. 192 किलोमीटर पर आवर में थीप भाग रहे. चोर चोरी करने के बाद कभी देखे हो? कभी रियल लाइफ में देखे हो भीड़ भाड़ एरिया में कितने स्पीड में दौड़ते हैं? यस मैम. हम एक एग्जांपल लेंगे कोलिजन्स में, इतने हाई स्पीड में भागते हैं आप गिर भी जाओगे लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा हु हैज कोलाइडेड विथ यू, इतने हाई स्पीड में भागते हैं. आई हैव सीन इट इन बद्रीनाथ टेम्पल वंस, किसी को हमें पता नहीं लेकिन सब गिर गए, कोई एक धक्का देके चला गया इतने हाई स्पीड में. नाउ सी पुलिस, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पुलिस वैन. पुलिस वैन की वेलोसिटी है थीप की स्पीड है 192 किलोमीटर पर आवर. बुलेट की स्पीड है 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. नाउ यू कैलकुलेट, यू हैव टू कैलकुलेट विथ व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट द थीप्स कार. बुलेट हिटिंग थीप्स कार विथ व्हाट स्पीड? यस मैम, मैं क्लास में हूँ. कहाँ देखो, श्वेता देख रही है, श्वेता देख रही है. आपके हिसाब से सारे आ चुके हैं आंसर शीट? हाँ ठीक है. यस, यू हैव टू फाइंड आउट विथ व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट द थीप्स कार. 105 मीटर पर सेकंड. हाउ इट इज मैम? रिलेटिव वेलोसिटी, पहले पुलिस वैन और थीप की निकाली. पुलिस वैन और थीप, पुलिस वैन का बीपी ले देते हैं, पुलिस वैन के स्पीड और रिलेटिव वेलोसिटी थीप का भी टी ले जाते हैं. कितना आ गया पुलिस वैन और 52 किलोमीटर पर आ रहा था. 52 किलोमीटर पर आवर आ रहे 162 किलोमीटर पर आवर आपके हिसाब से? ये 162 बाबा इतने जबरदस्त आ रहे हैं 162 किलोमीटर पर आवर. मैम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया तो 45 मीटर पर सेकंड आ गया. मीटर पर सेकंड में 45 मीटर पर सेकंड आ गया. यस मैम. मैम या फिर हम मैम बुलेट की स्पीड मैम कर लेते हैं किलोमीटर पर आवर में, मैम वो 540 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी. एक ही बात, नहीं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, इजी होगा क्योंकि ये मीटर पर सेकंड है ना आंसर. तो मैम वो 45 हो जाएगी फिर, और बुलेट की स्पीड 150 थी तो रिलेटिव निकालेंगे तो 105 आ जाएगी. 45 यू आर टेलिंग, जस्ट टेल मी योर कैलकुलेशन. दिस इज 45 मीटर पर सेकंड. यस मैम. उसके बाद आप क्या किए, व्हाट अबाउट दिस मजल स्पीड? हां तो मैम वही मैम, मजल स्पीड और जो वैन की स्पीड थी इसका रिलेटिव निकाल लिया तो ये 105 आ गई. अच्छा दैट मींस बीपी प्लस बी बुलेट आपके पास कितना आ गया?
BP plus B bullet. मैंने सीधा थीफ मतलब जो थीफ की वैन की स्पीड थी और बुलेट की स्पीड थी ना, मैं उसी का रिलेटिव निकाल दिया था मैंने। अच्छा आप सीधा इसको आप ये बोलो ना, ये माइनस बीटी ये निकाले हो आप। यस मैम। बीपी प्लस बीबी ये दोनों सेम डायरेक्शन में, इसको ऐड करोगे क्योंकि ये पुलिस वैन और यही बच्चों का मिस्टेक होता है, मजल स्पीड विल बी एडेड विद द स्पीड ऑफ द पुलिस। तो पुलिस की स्पीड प्लस बुलेट की स्पीड पहले ऐड करो दोनों को कन्वर्ट करके, फिर माइनस करो थीप के स्पीड। ओके ये कितना आ गया, रिलेटिव स्पीड कितना आ गया, दिस इज द आंसर 105। द आंसर इज पुलिस की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कितना होगा 30 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकंड इज, क्या मल्टीप्लाई करते हो 25 बाई 3 मीटर पर सेकंड। और दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पुलिस, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट कितना दिया हुआ है 150 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। दोनों एक साथ एडिशन होंगे क्योंकि ये एक ही ऑब्जेक्ट है, तो ये दोनों एडिशन हो गए तो आपके पास टोटल स्पीड कितना हो गया 150 प्लस 25 बाई 3, आपके पास 475 बाई 3 मीटर पर सेकंड आ रहा है। ये कंबाइन स्पीड है, ये वाला स्पीड यहाँ है माइनस आपके पास थीप के स्पीड है, थीप के स्पीड किस में था फिर, किलोमीटर पर आवर में था क्या? यस मैम। 192 किलोमीटर पर आवर, 192 किलोमीटर पर आवर इज इक्विवेलेंट टू 160/3 मीटर पर सेकंड। तो ये 160/3 मीटर पर सेकंड माइनस कर दो, व्हाट इज योर आंसर 105। Are you getting any doubt here? Are you getting this answer? Yes or no? Any doubt here? No. Muzzle speed should be added with the speed of the police. This is all about our relative velocity. Relative velocity in one dimension is over. We'll come across relative velocity in two dimension, but not now. Before that, let us start graphs. Next one is our graphs. Velocity. स्पीड हमारा ओवर हो गया ओनली टाइप्स में, आगे ये कंटिन्यू होगा। स्पीड और वेलोसिटी विल बी विथ यू अप टू द एंड ऑफ क्लास 12। अभी मत सोचो कि कोई खत्म हो गया। नाउ इज योर ग्राफ, ग्राफ्स में अर्लियर आई हैव टोल्ड यू इफ वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, इफ वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स तो मेरे एक्स कौन से एक्सिस में आएगा, वाई कौन से एक्सिस में आएगा। Let this is axis 1, this is axis 2. किस में आएगा x, किस में आएगा y? I have told you earlier. Mathematics कराने के time I have given you. Y आएगा 1 में. Y 1 में आएगा और 2 में x आएगा. I'm y 2 में आएगा. There are two different answers. Who is telling y 2 में आएगा? Y2 में आएगा किसका आंसर था, गौतम? इज इट योर आंसर? अरे जो भी बोला सही बोलो। संकेत, Y यहाँ आएगा, X यहाँ आएगा। If it is written X is a function of Y, 1, 2, किस में आएगा Y, किस में आएगा X? What does it mean? इसका मतलब समझे नहीं आपका, यहाँ x की वैल्यू चेंज होने से y आता है और y की वैल्यू चेंज होने से x आता है इस इक्वेशन में। हमें y की चेंज होने से x आता है। y इज इक्विवेलेंट टू 5t2, t को चेंज करूंगी y आऊंगी ना, y को चेंज कर दूंगी तो t आएगा, व्हाट इज द नॉर्मल प्रोसीजर। तो फिर व्हिच वन इज ए वेरिएबल, व्हिच वन इज ए कांस्टेंट, कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? T is independent, हमेशा याद रखो T independent है और Y dependent है T के ऊपर। T को 1 ले लो Y का एक वैल्यू आएगा, T को 2 ले लो और एक वैल्यू आएगा। तो T is independent, T हमारे हाथ में है। सबसे बढ़िया ये समझो हमारे पास चेंज करने के लिए इस इक्वेशन में क्या है, टाइम, टाइम बढ़ते जाएगा Y चेंज होते जाएगा, जो हमारे हाथ में है वो X में आएगा
जो निकलेगा उसमें से वो वाई में आएगा. दिस इज द लॉजिक आई हैव टोल्ड यू. नाउ यू टेल मी बेस्ड ऑन दिस इफ आई प्लॉट द ग्राफ. मेरे पास डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ है. सपोज मेरे पास ग्राफ है ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ. आई एम प्लॉटिंग द ग्राफ लाइक दिस. ये क्या सिग्निफाई करता है इस टाइप के ग्राफ. ग्राफ नंबर वन आपको देता है स्पीड इज कॉन्स्टेंट और अदरवाइज यू कैन राइट यूनिफॉर्म मोशन. ग्राफ नंबर वन इज यूनिफॉर्म मोशन और स्पीड इज कॉन्स्टेंट. इफ द ग्राफ इज लाइक दिस टू. ग्राफ नंबर टू क्या देगा. हम स्पीड इज चेंजिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म. अच्छा ये थ्री इसको भी नॉन यूनिफॉर्म. तो इसीलिए नॉन यूनिफॉर्म को स्पेसिफाई करो. आइदर स्पीड इज इंक्रीजिंग लिखोगे या डिक्रीजिंग लिखोगे. व्हिच ग्राफ इज इंक्रीजिंग व्हिच ग्राफ इज डिक्रीजिंग. थर्ड वन. टू इज डिक्रीजिंग स्पीड. टू इज डिक्रीजिंग स्पीड. थ्री इज इंक्रीजिंग स्पीड. आर यू अंडरस्टैंडिंग. ये क्लास नाइन्थ के ग्राफ मैंने दिखा रही हूँ यहाँ. दिस वन इज इंक्रीजिंग स्पीड. एनी डाउट हियर कनक. क्यों थ्री को हम इंक्रीजिंग लेते हैं. क्योंकि थ्री में ये जो स्लोप ये जो एंगल है इस एंगल ग्रेजुअली बढ़ते जा रहा है. और यहाँ टू में क्या होता है एंगल बढ़ा हुआ है. यहाँ यहाँ चेंज हो जाता है छोटा हो जाता है. ये एंगल और स्लोप इसी टाइप के ग्राफ का जो एंगल होता है टेन थीटा. दिस इज अदरवाइज नोन एज योर स्लोप. This one, this slope is equivalent to your velocity or speed. You can write velocity or you can write speed here. ये जो slope आ रहा है ज़्यादा time में कम distance cover हो रहा है. लेकिन graph से तो slope better understood. Now if the graph is like this, what does it mean? Ma'am rest, at rest. I'm rest. Yeah. Fourth, the body has rest. Body is at rest. If the graph is like this, fifth one. If the graph is like this, speed is decreasing. Speed is decreasing. Or you can write, if it is velocity, then it is negative velocity. If it is velocity, then it is negative velocity. Speed is decreasing. तो ये वाला graph है. Distance होगा तो ये negative नहीं होगा. सिर्फ velocity वाला case में आएगा. ओके इज इट अंडरस्टूड. ये सबको समझ में आएगा. ये जो बेसिक ग्राफ में क्लास नाइन्थ का दी हूँ. यस और नो एनी डाउट. दिशिता वेयर आर यू. आज हम देखे नहीं. दिशिता आर यू प्रेजेंट हियर. दो जो अब ज्वाइन लेट वन स्टूडेंट नेम लिनॉय. आर यू अंडरस्टैंडिंग लिनॉय. आर यू अंडरस्टैंडिंग. कुछ बच्चे हैं बिल्कुल बात ही नहीं किए कभी. पता भी नहीं चलता है वेदर दे आर हियर और नॉट. जयंत आर यू अंडरस्टैंडिंग. जयंत. यस मैम. हिमांशु. यस मैम. दिशिता. दिशिता नॉट सीन टुडे. एब्सेंट है क्या. ओके नाउ यू टेल मी इफ आई चेंज इट टू वेलोसिटी. मैंने यहाँ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हटा के वेलोसिटी लिख दिया. व्हाट विल बी वन टू थ्री फोर फाइव. क्विक I'm displacement. 1, 2, 3, 4, 5 graph for velocity time I have asked. What is your 1? Displacement. Acceleration is constant. Someone is telling acceleration is constant. This yes. One is acceleration is constant. And this is uniform motion. Ye uniformly accelerated motion hoga. Now, two को क्या लिखोगे. टू थ्री फोर फाइव. टेल मी टू विल बी योर डिक्रीजिंग एक्सिलरेशन. यू कैन राइट डिक्रीजिंग एक्सिलरेशन. रिटार्डेशन बाद में आएंगे रुक जाओ. थ्री इज योर इंक्रीजिंग एक्सिलरेशन. थ्री इज योर इंक्रीजिंग एक्सिलरेशन. फोर इज योर एस. फोर में क्या लिखूंगी. कॉन्स्टेंट वेलोसिटी और जीरो एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन जीरो. फिफ्थ में क्या लिखूंगी. फिफ्थ वन डी एक्सीलरेशन. रिटार्डेशन.
यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन जो है ना वो रिटार्डेशन वही है क्या हम डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन का मतलब भी वो नहीं है डिपेंड करता है थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज हो जाएगा विल कम अक्रॉस इट वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बेसिक इज गिवन टू यू नाउ यू टेल मी सपोज यू आर गिवन ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ लाइक दिस आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये दिया हुआ है आपको पूछा हुआ है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाओ क्वेश्चन ग्राफिकल है ये जो ग्राफ दिया हुआ है इसी के लिए ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा स्ट्रेट लाइन कैसे होगा स्ट्रेट लाइन आपको देखो स्केल चेंज हो गया वी टी स्केल में ग्राफ ये था सेम ग्राफ इन एक्स टी स्केल इज दिस वन इज इट ओके सेम ग्राफ इन एक्स टी इज दिस वन इफ योर इफ आई एम चेंजिंग द ग्राफ लाइक दिस अगर वी टी स्केल में मेरा ग्राफ ये है एक्स टी में क्या होगा मैम पैराबोला ही होगा मैम बस मैम ऑपोजिट खुलेगा वो ये इंक्रीजिंग इसका एक्चुअली ग्राफ ऐसे ही दिखाओगे ये इंक्रीजिंग एक्सीलर इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन पॉजिटिव अगर ये ग्राफ ये वन वन के लिए ये वन अगर मैं ये टू वाला ग्राफ ये दिखा रहे हूँ टू तो टू के लिए आपका एक्स टी स्केल में जस्ट अपोजिट एज पर एनसीईआरटी एक्सीलरेशन नेगेटिव एक्स टी में यस दीज आर द ग्राफ्स फ्रॉम एनसीईआरटी बुक आई हैव गिवन यू जस्ट मैम ये एक्सीलरेशन का फिर से बता दो मैम एक्सीलरेशन का ऐसे क्यों होगा हाँ ये डिफरेंशियल ग्राफ है आपको सिर्फ ग्राफ ही के नेचर देखना पड़ेगा पैराबोलिक ग्राफ होगा क्योंकि आप जो वेलोसिटी लिखते हो dx by dt लिखते हो ठीक है ठीक है जब एक्सीलरेशन लेते हो dv by dt लिखते हो तो दिस कैन ऑथराइज बी रिटन d by dt ऑफ वेलोसिटी वेलोसिटी है dx by dt तो ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा d square x by dt square इसका मतलब एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव के लिए ये पैराबोलिक ग्राफ होता है और ये जस्ट अपोजिट ग्राफ होता है ये मैथमेटिक्स का ग्राफ है मैम ये डबल डेरिवेटिव का होता है डबल डेरिवेटिव ऐसे 12 डेरिवेटिव तक है आपको 11th में डबल डेरिवेटिव तक हम दिखाएंगे डी स्क्वायर मतलब सेकेंड टाइम एक बार डिफरेंशिएशन नहीं दो बार डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन लिया हुआ है एक बार आप वेलोसिटी के लिए थे लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट के लोगे तो दो बार लोगे ऐसे थ्री टाइम्स है डी क्यू बाई डी टी क्यू डी थ्री डी फोर बाई डी टी फोर डी फाइव बाई डी टी फाइव डी ट्वेल्व बाई डी टी ट्वेल्व तक है लेकिन दैट इज इन हायर मैथमेटिक्स एलेवेंथ ट्वेल्थ में आपका डी क्यू तक आएगा डी टी क्यू क्यों इसको लेते हैं जस्ट सी हियर आपको दिया है आप इसको ऑलरेडी समझे हो इफ एक्स इज इक्वल टू टी क्यू मैं मुझे सीधा एक्सीलरेशन निकालना है तो मैं क्या करूँगी डी वी बाई डी टी इसको लिख देंगे डबल डिफरेंशिएशन एक्स बाई डी टी स्क्वायर सेम चीज दैट इज इक्वलेंट टू डी बाई डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी कितना है डी एक्स बाई डी टी कितना है डी बाई डी टी ऑफ थ्री टी स्क्वायर तो थ्री टी स्क्वायर डी बाई डी टी कितना है सिक्सटी सीधा आ गया हमारा सिक्सटी पहले वेलोसिटी निकाल के फिर करना चाहिए था मैंने उसको सीधा कर दिया आर यू अंडरस्टैंडिंग यही प्रोसीजर है डबल डिफरेंशिएशन मीन्स सेकंड टाइम लिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी होगा तो सिंगल डिफरेंशिएशन इसीलिए ग्राफ आप जो ग्राफ बोले ना ग्राफ का नेचर ऐसे क्यों है ग्राफ का नेचर ऐसे इसीलिए है आपको और एक ग्राफ भी मैंने ग्राफ में करवाई हूँ मैथमेटिक्स जो बेसिक करवाई थी y square is equivalent to 4ax. इसके ग्राफ किसको पता है कैसे होता है y square is equal to 4ax. Suppose ये parabolic graph होता है ऐसे. There are four graphs. I have done that day. Four graphs. ये one है ये two है ये three. ये mathematics में आ ही जाएगा आपके पास mathematics teacher.
Who is teaching you mathematics, Lalit sir or Rachna madam? Lalit sir will do it. Lalit sir will do all the graphs. Parabolic graph unko वो करवाएंगे आपके सिलेबस में है. तो y स्क्वायर इज 4x, इसमें से कौन सा ग्राफ होगा? एनी सारे ग्राफ का नेचर ही ऐसे होगा. y स्क्वायर इज 4x, मैं x के वैल्यू चेंज किया, x1 तो y स्क्वायर हो गया, x2, x3 तो ये 1 जो है ना ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 4x ये होगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4a. इस टाइप के ग्राफ आपका पैराबोलिक ग्राफ जो मैथमेटिक्स में आपका एक एक टॉपिक है. Are you understanding? Physics, mathematics के help के बिना नहीं चल सकता. तो इसीलिए हम जब graph आएंगे थोड़ा थोड़ा हमारे पास भी parabolic graph आएगा, parabolic, hyperbolic सारे types के graph आएगा. ठीक है? खाली straight line graph नहीं आएगा. Straight line graph का formula is anyone can tell me? Straight line graph का formula क्या है? आपको graph का mathematics formula आना चाहिए. अगर ये straight y is equivalent to mx plus c, इस टाइप के ग्राफ होता है, yes or no? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बोला जाता है. y is equal to mx plus c. ऐसे पैराबोलिक हाइपरबोलिक, y square is equivalent to 4x, x square is equal to 4ay, ऐसे चलेगा आपका. ठीक है, जहां स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल है. yes, we will come across graphs from next class. now I can collect attendance because you are having another class. Let me download the attendance. Tomorrow is Saturday. Kanak, tell me at what time we can meet. What is your doubt based on dimension? Ma'am, mine. Yes. No, ma'am, not dimensions. This chapter. Someone has given message in WhatsApp that I am having dimensions doubt. Okay, whatever may be the doubt, tomorrow we'll have a doubt clearing session. I'll let you the time, let you know the time, maybe around 9:30. You can join there. Today you can leave the class. I have already downloaded the attendance. Thank you. Okay. But do the practice work. Do the practice work. If you need some more questions, then I can send. But I think you are having sufficient coaching center package or additional books. किसके पास कोई भी बुक नहीं है, क्वेश्चन कहीं से नहीं मिल रहा है तो टेल मी. अदरवाइज 11th क्लास यू शुड हैव रिलेटिव वेलोसिटी ओवर, मींस एटलीस्ट 20-30 रिलेटिव वेलोसिटी क्वेश्चंस यू शुड अटेंड. और अमिता, आर यू डूइंग समथिंग मैम? यस, टेल मी वंसो. फिजिक्स की क्लास 10:15 पे होती है. फिजिक्स की क्लास थ्री टाइम्स होता है वीकली, कभी कभी हम एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हैं. ठीक है, थ्री टाइम्स होता है. टाइम टेबल यू आर हैविंग वंशु, यू शुड हैव द टाइम टेबल विथ यू. उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप क्लास ज्वाइन करो, नहीं तो आप अपने टीम्स में देख लो, आपको क्लास मिल जाएगा. मैम टीम्स में मुझे कंप्यूटर में ऐड किया गया है बस.